मैं हूँ रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं SKP Live न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है भेसोला में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह का जो है गृह गांव है और वो यहाँ पर वोटिंग करने पहुँचे थे। हम उन्हीं से जानते हैं कि सर आज आप वोटिंग करने के लिए पहुँचे हैं, जीत के प्रति कितना आश्वस्त है और क्या रहेगा परसेंटेज और किस इसके लिए वोट दिए जाएंगे? हाँ जी सर, देखिए वैसे भी आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है और हम सभी उनका आशीर्वाद लेके आए हैं। अच्छा मतदान हो रहा है, लोग सकारात्मक है, उत्साहित हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना भी विकास कार्य हम लोगों ने प्रारंभ कराया है और पहले कराया है उसके आधार पे मतदाता सकारात्मक मतदान करेगा, पॉजिटिव मतदान करेगा, वोट फॉर प्रोग्रेस करेगा। और इसलिए मेरे ख्याल से आज एक ऐतिहासिक दिन है, पहला उपचुनाव, पहली बार शासन में भागीदारी, इसलिए पहली बार इतना उत्साह। पिछली बार करीब 80% मेरे ख्याल से वोटिंग हुआ था विधानसभा में, इस बार मुझे उम्मीद है कि 80 से ज़्यादा होगा और बहुत अच्छा होगा। तमाम आरोप प्रत्यारोप तमाम विवाद के बाद जो है आज क्या कहेंगे कि जो जनता है वो कितनी आश्वस्त है और कितनी निश्चिंत रहेंगे और आप कितने निश्चिंत? एक बात बताऊँ, ये बड़ा आसान है किसी पर आरोप लगा देना, लेकिन प्रमाणित करना, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने तमाम आरोप लगाए, हमने उन पर कोर्ट पर मानहानि का दावा लगाया, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। और आरोप कौन लगा रहा है, जैसे मैंने बिड़वाल की सभा में कहा, जिस व्यक्ति के ऊपर गाने बनाए गए मध्य प्रदेश में, उगड्डों के राजा उजालों के दुश्मन तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया, इतनी बदहाली में छोड़ गए थे मध्य प्रदेश को। और आज आप देखिए हमारे क्षेत्र में 200 से अधिक सड़कें बन रही हैं, हमारे यहाँ पे डामर रोड जिले से जिले जोड़ने की बन रही है, हमारे यहाँ बड़े बड़े स्टॉप डैम्स का सैंक्शन हो गया, 27,000 आवास प्लस में कुटीर पोर्टल पे होके लोगों को मिलने वाले हैं, 21,800 खाद्यान्न पर्चियाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में जा रही है, पंचायतों के खाते में जहाँ पैसा नहीं था वहाँ पैसा डला है, जहाँ पे प्रधानमंत्री स्वाभिमान सम्मान निधि ब्लॉक हो गई थी वहाँ पे हम लोगों ने खातों में डलवाना चालू कर दिया है, लोग तमाम कहते हैं यूरिया नहीं मिलेगी, यूरिया सबको मिल रही है। तो अफवाहों के बाज़ार से कोई जो धरातल की तस्वीर है वो उजागर नहीं होती। आज मतदान ख़त्म हो जाएगा 5 बजे, मैं तो शुरू से कहता आया हूँ, तमाम लोग आप मुझसे मिल, मैं तो कहता आया हूँ किस बात की जल्दी है, मतदान हो जाने दीजिए, ऐसा कौन सा प्रलय आ जाएगा, जनता को तय करने दीजिए। तो ये जो नेता लोग अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, भगवान तो एक होता है ऊपर, जब ईश्वर और संविधान की शपथ लेते हैं कहीं भी जाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। अब जितने भी लोग, असर तो मुझे इस बात का होता है कि बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े लोग जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, बड़े बड़े जो अजगर मगरमच्छ थे जिन्हें कमलनाथ जी ना पकड़ पाए, उन्हें घसीट के हमने ज़मीन फैला दिया, वो छटपटा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, तरह तरह के अनर्गल बातें कर रहे हैं, मुझे अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं, खुद को नहीं देख रहे, खुद कैसे हैं और खुद ने क्या किया है। तो मुझे, और मैंने तो शुरू से ये भी कहा है कि जितना मुझे बुरा कहेंगे, जितना मेरा अपमान करेंगे, मेरा अपमान नहीं, मेरे मतदाताओं का अपमान, और लोग मुझे जानते हैं, मैं पहली बार पहला चुनाव, मैं छठा चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे पिताजी 2 लड़ चुके, मैं कैसा व्यक्ति हूँ मेरे लोग मेरा गांव जानता है। और आप उसके विपरीत अगर कहोगे तो वो तो कहेंगे ये तो पागल भी गया है, कपड़ा फट गया है, हालांकि हमर नहीं पड़ी रही है, हालांकि अंत आई गया है, जैसे कहते हैं ना अहंकार में तीनों गए बल बुद्धि और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, तो ये तमाम रावण कौरव कंस है ना, दशहरा भी गया, रावण दहन हो रहा है, अब ये इनका अंत है। और अब अच्छी दिवाली बनने वाली है, दिवाली तो बहुत अच्छी बनने वाली है, तकरीबन 40,000 से ऊपर मिठाई आपको भी खिलाएंगे, मिठाई के साथ फटाके भी फोड़ेंगे आप तो अबकी बार, अभी तो नहीं फोड़ सकते, अभी तो मतदान चल रहा है, दिवाली की बात कर रही हूँ, दिवाली के बाद तो ये सब होगा। और वैसे भी राम मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो गया, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और निश्चित तौर पर दिवाली तो अच्छी बनेगी, अच्छी बननी चाहिए। 41,000 वोटों से पिछली बार आपने जीत दर्ज की थी, अब की बार कितना? ये तो मतदाता बता पाएगा, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, मैं कोई भगवान नहीं, मैं भी आज एक मतदाता के नाते यहाँ खड़ा हूँ, कहने में आप मुझे कोई भी उपाधि दे दें, लेकिन जो आज जिस पद पे मैं हूँ वो पद इनका है, मतदाता की शक्ति होती है जो आप में वो निहित करता है, वो अधिकार और वो शक्ति इन्हीं की है, जब चाहें दे दें, जब चाहें ले लें। मतदान की एक अपील करेंगे,
हाँ, ये निश्चित तौर पर मैं सभी से अपील करूँगा कि कोई भी व्यक्ति हो मतदान अवश्य करें। किसको करें ये उनकी मर्जी है, ये आपका अधिकार है। जनतंत्र में ये एक ऐसी शक्ति है मतदाता के पास जो उसको ये ताकत देती है कि अपना प्रतिनिधि चुने, अपनी सरकार चुने और अपना भविष्य सुनिश्चित करें। इसलिए मतदान अवश्य करें और देश हित में करें, अपने भविष्य को देख के करें और सोच विचार के करें। ये हमारे साथ थे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जो कि भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी हैं। उन्होंने मतदान की अपील भी की है और उन्होंने कहा कि उनका जो भविष्य है वो तो जनता ही तय करेगी और विकास जो है उन्होंने बहुत किया है और विकास के नाम पर जो है जनता वो बहुत निश्चिंत और आश्वस्त हैं कि वही जो जनता है उनको आशीर्वाद देगी। मैं हूँ रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं SKP लाइव न्यूज़। मुझे निकालो। शुभकामनाएं। हाँ नाम बता दीजिए आपका। मैं गोपेश बैरागी आज अभी सुबह प्रभात की बेला में अपना वोट डाल के आया हूँ, अपना मतदान करके आया हूँ और मुझे लगता है कि मेरा मतदान मेरा अधिकार है। मैं मेरी ड्यूटी छोड़ के यहाँ पर केवल मतदान करने के लिए आया हूँ और हमारे गांव में लगभग 100% मतदान हो इसकी मैं गांव वालों से अपील भी करता हूँ और देश के अपील करेंगे आप? दूसरे लोगों से भी यही अपील करूँगा कि उनके मन में जो प्रत्याशी सही हो, जो विकास कर सके, बदनावर का विकास कर सके, वो उन प्रत्याशी को अपना वोट डाले और अपना मत उन्हें दे।